उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर की ओर से रेल बचाओ देश बचाओ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान मजदूर संघ से जुड़े सभी कर्मचारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया। मजदूर संघ के कर्मचारियों का कहना है कि देश की सरकार रेलवे को निजी हाथों में सौंप रही है, जिसका परिणाम लोगों को भुगतना होगा। इसके कारण रेल में सफर करना निजी हाथों में चला जाएगा, जबकि सरकार शिक्षा सुरक्षा की तरह ही यात्रा देने के लिए बाध्य है और इसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। इसके बावजूद भी इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और इस संगोष्ठी के माध्यम से कर्मचारियों की नाराजगी के साथ साथ किस तरह से रेलवे को बचाया जा सके और निजी हाथों में नहीं बेचकर भी किस तरह से मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी जानकारी सरकार को सौंपी जाएगी। इसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज की ये संगोष्ठी NFIR के आह्वान पर UPRMS द्वारा आयोजित की जा रही है और इस तरह की संगोष्ठी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं कि रेल को कैसे बचाया जाए। भारत सरकार इस रेलवे को भी एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि यह इंस्टीट्यूट भारत के नागरिकों के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है और ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व आता है। जिस तरह से शिक्षा सरकार का उत्तरदायित्व है भारत के नागरिकों को देना, सुरक्षा देना भी सरकार का उत्तरदायित्व है, संरक्षा देना भी सरकार का उत्तरदायित्व है, उसी प्रकार से रेल संस्थान जो बना हिंदुस्तान के अंदर वो भारत के नागरिकों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए बना है। किंतु वर्तमान सरकार इसको कमर्शियल बनाने की ओर अग्रसर है। एक तरफ वो बोलती है कि हम किराया इसका नहीं बढ़ा सकते, हमारी लिमिटेशन है क्योंकि ये उत्तरदायित्व है। दूसरी तरफ सरकार इस संस्थान के जो प्रोडक्शन यूनिट फायदे में है उसको व्यापारियों को बेच रही है और वहाँ से लाभांश कमा रही है। हमारा उद्देश्य इसको आयोजित करने का ये कि हम सरकार को चेताएं कि यह संस्थान कमर्शियल नहीं है, यह संस्थान भारत के नागरिकों को ट्रांसपोर्ट देने के लिए है, इसलिए इसको बचाए रखना जरूरी है। यदि यह संस्थान कमर्शियल में चला गया तो भारत के नागरिकों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत महंगा हो जाएगा और भारत एक गरीब देश है और गरीब देश के अंदर हम कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। सरकार धीरे धीरे यहाँ के जितने पद हैं जो खाली पड़े हैं उनको भर नहीं रही है, जिससे संरक्षक पर भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके पीछे कारण भी यही है। सरकार इस रेलवे को एक ऑपरेटिंग रेशो के लिए तरह इस्तेमाल करके बोल रही है कि इसमें खर्चा ज़्यादा हो रहा है। हम इस संगोष्ठी के माध्यम से सरकार को बताएंगे कि खर्चा करना सरकार का काम है, सुविधा देना सरकार का काम है और इससे आमदनी सरकार को नहीं करनी है और सरकार को चाहिए कि वो इसको जन सुविधा की दृष्टि से देखे और उसी के अनुरूप काम करे और जो सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी को बंद करें। सब्सिडी की जो लागत सरकार के पास इस रेलवे पर है वो लगभग 35,000 करोड़ सालाना आती है, तो सरकार उसको वहन करे या इसको मुक्त कर दे कि सरकार किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं देगी। बाजार का जो किराया बढ़ रहा है, जैसे डीजल बढ़ रहा है, बाजार से जो सामान रेलवे खरीदती है उसका किराया जो लागत बढ़ रही है, वो लागत को इंक्लूड करके किराए में बढ़ोतरी करे, क्योंकि पिछले 10 साल से रेलवे के अंदर किसी तरह की किराए की बढ़ोतरी नहीं की गई है। जब किराए की बढ़ोतरी नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि आपका ऑपरेटिंग रेशो बढ़ेगा। इसमें कौन कौन सम्मिलित रहे? इस आज की संगोष्ठी में राष्ट्रीय अध्यक्ष NFIR के मिस्टर गुमान सिंह जी आए हैं, जोन के महामंत्री श्री विनोद मेहता जी आए हैं और बाकी UPRMS के अजमेर मंडल की समस्त शाखाएं और अजमेर के लोकल जो पार्टिसिपेंट हैं वो आए हैं।